इकलौती डायमंड माइंस NMDC की हीरा परियोजना पर मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने छापा मारा है, जिसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की कर चोरी का मामला सामने आया है। साथ ही वहां के वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। परिवहन विभाग ने अनरजिस्टर्ड वाहनों में कर चोरी पकड़ी है, जिस पर उनको जब्त कर पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। वही NMDC प्रबंधन का तर्क है कि दूसरे राज्यों में ऐसे वाहन रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ भी नहीं कराए गए हैं। पन्ना की मजनू स्थित NMDC की हीरा खदान पर पन्ना RTO ने छापा मारा है, जिसमें अनरजिस्टर्ड वाहनों पर कर चोरी पकड़ी गई है। फिलहाल परिवहन विभाग ने कर चोरी पर वसूली का नोटिस भी दिया है। ज्ञात हो कि दुनिया के सर्वोत्तम क्वालिटी का हीरा निकालने के लिए हीरा परियोजना प्रसिद्ध है और पहली ऐसी खदान है जिसे मैक माइंस तरीके से हीरा निकाले जाते हैं और करोड़ों का राजस्व मिलता है। लेकिन इस तरीके की कर चोरी का पहला मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में NMDC प्रबंधन के अधिकारी कैमरे के आने को तैयार नहीं थे, पर इतना अवश्य है कि इस हुई कार्रवाई से हीरा परियोजना वैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रहा है और मध्य प्रदेश परिवहन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। माइन क्लोजर प्लान में उनको भ्रांतियां लग रही है। हमने माइन क्लोजर प्लान जब अब आई माइन क्लोजर प्लान के ऊपर में हमने जब 2008 में जब हमें अगस्त 2008 में परिवहन विभाग द्वारा अपने बकाये टैक्स की वसूली के लिए विशेष अभियान परिवहन आयुक्त महोदय के माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। इस क्रम में संभाग के सारे RTO अलग अलग जिलों में जाकर एक साथ चेकिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में पन्ना का जब नंबर आया तो NMDC में खदानों में जाके हमने चेक किया तो कुछ अनरजिस्टर्ड व्हीकल हमको वहाँ प्राप्त हुए। सर कितने अनरजिस्टर्ड व्हीकल वहाँ पर प्राप्त हुए और कितने रुपए की लगभग टैक्स की चोरी ये मानी जाएगी? लगभग 6-7 वाहन हमें अनरजिस्टर्ड प्राप्त हुए जिनके दस्तावेज मंगाए गए हैं। दस्तावेज मंगाए जाने के बाद उनका टैक्स बकाया कितना बैठता है ये निकाला जाएगा। सर ये 20-25 सालों से NMDC माइंस चल रही है और मध्य प्रदेश में पहली बार NMDC माइंस को टारगेट क्यों किया गया? टारगेट नहीं किया गया, ये एक रूटीन कार्रवाई है जो सारे मध्य प्रदेश की खदानों में एक साथ जारी है। खदानों के अलावा बसों, ट्रकों, हर वो माध्यम जिससे हमारा टैक्स आ सकता है हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनसे टैक्स वसूली की जाए। NMDC भारत सरकार का उपक्रम है और मध्य प्रदेश सरकार उन पर छापामार कार्रवाई कर रही है? नहीं, छापामार कार्रवाई नहीं है, ये एक रूटीन कार्रवाई है जो बकाया वसूली के लिए की जा रही है।